क्या साल 2017 में भारतीय राजनीति मोदी मैजिक के नाम रहा? आखिर चीनी मीडिया ने क्यों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ? सीमा विवाद और आतंकवाद के मुद्दे पर भले ही भारत और चीन के बीच ठनी हुई हो, लेकिन वहां का सरकारी मीडिया पीएम मोदी को लेकर एक अलग राय रखता है। चीन की सरकारी मीडिया ने अपने एक लेख के जरिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की एक लेख की माने तो भारतीय राजनीति में साल 2017 ब्रांड मोदी के नाम रहा। मोदी वेव वर्कर्स मैजिक फॉर इंडिया रूलिंग बीजेपी इन 2017 शीर्षक वाले इस लेख में कहा गया है कि मोदी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, साल 2017 भी खात्मे की ओर है। ऐसे में जब हम राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं तो भारतीय राजनीति में साल 2017 ब्रांड मोदी का साल रहा। लेख में कहा गया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत के साथ शुरू हुई मोदी लहर खत्म होने का संकेत नहीं दे रही है। मोदी जनता को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहे और यही वजह थी कि बीजेपी ने साल 2014 के बाद 17 राज्यों में हुए चुनावों में 9 बार जीत हासिल की। लेख में साल 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिली जीत की असली वजह मोदी मैजिक को करार दिया है। इस साल हुए राज्यों के चुनाव में मोदी ही स्टार फेस रहे। इस लेख में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का जिक्र करते हुए उनके नेतृत्व क्षमता की भी जमकर तारीफ की गई। इतना ही नहीं, इस लेख में नोटबंदी और यूपी चुनाव में इसके असर के बारे में भी जिक्र किया गया है। लेख के मुताबिक विरोधियों की ओर से नोटबंदी की आलोचना किए जाने के बावजूद बीजेपी को यूपी चुनाव में 312 सीटें हासिल हुई। इन चुनावों में कांग्रेस, एसपी और बीएसपी समेत तमाम पार्टियों को जोर का झटका लगा। जाहिर है चीनी मीडिया में पीएम मोदी को लेकर इस लेख से इतना तो साफ है कि चीन भारत में होने वाली हर हलचल, खासकर पीएम मोदी के बढ़ते प्रभाव पर गहराई से नजर रख रहा है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।